सभी संभालो अपने आप को। नहीं नहीं, उसने उसने ऐसा क्यों किया? क्यों 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 किया ऐसा? क्यों मेरी फैमिली को मारा? सर मैं टाइम पर पहुंच गई थी, सर 11:15 बजे पहुंचने को कहा था, मैं पहुंच गई थी। स्कूटी खराब हो गई थी, मेरे पैर पे लग गई थी, मैं क्या करती? टाइम पे पहुंचने के बाद मैंने उसे कहा था ना, मेरी फैमिली को कुछ मत करना, मैं हूँ मैं आऊंगी, तू ना बन के आऊंगी, फिर भी मेरी फैमिली को मार दिया। सर मैं क्या करूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ सर कि मेरे आने का वेट भी नहीं किया। क्या रे शान भोसले, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? एक साले साहब, क्या जरूरत थी आने की? खैर अब आप आ ही गए हो तो आपको मेरी तरफ से ये मौत का तोहफा मुबारक। ये भी मरेंगे और तू भी मरेगा। ए शान भोसले, बाहर निकल, तुझे जान से मार दूंगा। विनो, वो जो पीछे पड़े कैनिस्टर्स है ना, सबको लेकर वापस जाओ और वहां पे जाकर छुप जाओ। ये कुछ भी कर सकता है, तुम लोग वहां पे सेफ रहोगे। जाओ जल्दी जाओ। सर चलिए, आप भी चलिए। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बाहर जाऊंगा और उस कमीने का ध्यान भटकाऊंगा। नहीं सर, सर समृद्ध के पास करें, वो आपको मार देगा सर। मुझे कुछ नहीं होगा विनू, तुम सबको लेकर उस बड़े कैनिस्टर्स के पीछे जाओ। हाँ जी, बाहर निकल। बहुत हीरोपंती सूझ रही थी ना तेरे को, बहुत शौक था इन सबको बचाने का। अब तेरे को बताता हूँ, बाहर निकल। रक्षा कर देवा। चिंता मत करो अश्विनी, अभी शान सर आ गए ना, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे और इस समृद्ध को तो अच्छा सबक सिखाएंगे। तुम्हें पता है अश्विनी, ईशान सर में हमारा विराट नजर आता है।